हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज आपको कराने जा रहे हैं एलसीएम एंड एससीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 48 का मासा क्या होगा। तो 24 और 36 का मासा निकालेंगे हम। दो विधि है इसकी। पहली विधि है फैक्टर विधि और सेकेंड विधि है हमारी भाग विधि। तो फैक्टर विधि से देखते हैं, 24 का हम फैक्टर बनाएंगे। तो 24 को पहले दो से डिवाइड करेंगे तो 12 बार, इसको इस करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। अब 36 को करेंगे, 36 को दो से डिवाइड देंगे तो 18 बार, 18 को देंगे 9 और 3 से देंगे 9 को 3 बार। तो ऐसे फैक्टर करना है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम आपको भाग विधि से बताते हैं। तो भाग विधि से बताते हैं कि 24 को आप 24 में जो 36 में आपको 24 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार। बचा रिमाइंडर कितना, 12। तो अब 12 को आप 24 से डिवाइड देना है, डिवाइड देंगे तो पूरा जा रहा है दो बार, तो 12 ही इसका एससीएफ होगा। तो इसी तरह की विधि से ही आपको एससीएफ निकालने हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा 923 तथा 949 का एससीएफ क्या होगा। तो इसे हम भाग विधि से करते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसको हम भाग विधि से ही करना चाहते हैं और करेंगे भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखे इसे करेंगे, 923 में 949 को डिवाइड देना है तो एक बार। अब इसे घटाएंगे तो ये आ गया हमारा 26। अब 26 का देना है 923 में तो 26 या 78, तो 78 92 में से 78 गई तो 14। अब ये 3 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब 26 का 143 में जा नहीं रहा है तो 26 पंजे कितना होता है 130, तो 130। अब 143 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। अब 13 का 26 में दे रहा है तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है ना। तो इसका 923 तथा 949 का एससीएफ कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 168, 189 तथा 231 का मासा क्या होगा। तो इसे हम भाग विधि से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 168 का 189 में भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। अब 21 का आपको देना है 168 में तो कितनी बार जा रहा है, 21 अट्टे 168, तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अब देखते हैं जो 21 है इसको हम 231 से डिवाइड कर, 231 में भाग देंगे तो 21 का 231 में भाग देंगे तो अगर पूरा जाता है तो वही एससीएफ होता है। तो पूरा जा रहा है 21 एकन 21 बचा दो तो 21 एकन 21 11 बार, तो यही 21 ही इसका एससीएफ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का एससीएफ या महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसकी एक फॉर्मूला है, ऊपर वालों का एससीएफ लेना है। अगर एससीएफ पूछा जाए तो ऊपर वालों का एससीएफ, अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम। तो एससीएफ पूछा गया है तो ऊपर वालों का एससीएफ अपॉन में नीचे वालों का एलसीएम। तो आपको करना क्या, 1, 3, 5, 7, 9 का एससीएफ निकालेंगे तो एससीएफ आएगा हमारा 1, और 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 120। तो 1/120 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से बताते हैं आपको क्या करना क्या है, कि ऊपर वालों का एलसीएम लेना है और नीचे वालों नहीं सॉरी ऊपर वालों का एससीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। तो अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एससीएफ, वही प्रक्रिया लागू करनी है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का एससीएफ पूछा गया है। तो वही एससीएफ पूछा गया है तो ऊपर वालों का एससीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो 2, 4, 6 का एससीएफ कितना आएगा 2, और 3, 5, 7 का एलसीएम कितना आएगा 3, 5, 15, 15, 7, 105। तो 2/105 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 10.15 और 20 मीटर लंबाई की 3 छड़े हैं लोहे की। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, यह पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्या करना है आपको, 10, 15, 20 का मासा लेना है। तो मासा कितना आएगा 5। तो कैसे लेना है कि 10 में 15 का डिवाइड करना है तो एक बार, तो रिमाइंडर कितना बचा 5। अब 5 का 10 में डिवाइड देना है तो पूरा हो जा रहा है। तो 5 का अब क्या करना है, 5 का 20 में भी डिवाइड देना है। अगर पूरा जाता है तो यही इसका एससीएफ होगा। तो पूरा जा रहा है 5 से 4 बार तो यही इसका एससीएफ होगा। अब पूछा क्या गया है कि कुल कितने टुकड़े होंगे, तो 10/5 + 15/5, तो क्योंकि उसके टुकड़े एलसीएफ निकला है वही टुकड़े है। 10/5 + 15/5 + 20/5 एलसीएफ कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 5। अब इनको जोड़ लो, 10, 15 और 20 कितना हो गया 45। तो 9 के टुकड़े में उसे काट सकता है, यही इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करे। तो अब करना क्या है आपको, 200 और 320 का मासा निकालना है, ठीक है। 200 में आप 320 का डिवाइड करेंगे तो एक बार, बचा कितना है 120। अब 120 का 200 में डिवाइड देना है
तो एक एक बार कितना बचा 80, अब 80 का 120 में करेंगे तो कितना, एक बार बचा कितना 40, अब 40 का 80 में करेंगे तो एचसीएफ कितना आ गया 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का महासा 11 तथा लासा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी एक ट्रिक है हमारी, दोन अब करना क्या है कि दोनों संख्या का महासा इंटू लासा अपॉन में एक संख्या, तो 693 इंटू 11 अपॉन में 77 दे रखा है कि दो संख्याओं का महासा, तो महासा इंटू लासा अपॉन में एक संख्या, तो एक संख्या कैसे रखी है 77, तो इसे 11 से ये 7 बार, 7 से इसे काटेंगे तो 9 बार 99 बार, तो ये 99 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, 21, 24, 27 का लासा क्या होगा, तो इसका लासा निकालेंगे तो इस विधि से निकालते लासा, अगर फैक्टर विधि से निकालेंगे तो टाइम लगेगा, आपको फैक्टर करना भी नहीं आ पाएगा इस टाइम, तो अब करना क्या है, इस विधि से निकालेंगे तो पूरा आंसर भी सही आएगा, तो इसे करेंगे 2×9 = 21, 21×21=27, अब इससे देंगे 2×9=21=27, 3 से देंगे इसे 9, 3, 7 और 9, 3 से देंगे 1, 7, 3 और 7 से देंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2×2×3×3×3×7, तो इसका आंसर आएगा 1512। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लासा क्या होगा, तो इसकी दो ट्रिक है, आपको ऐसी एक संख्या देखनी है कि इन सभी को काट रही हो, तो देखते पहले ये 60, तो 60 से ये 8 नहीं जा रही है, अगर आप समझ रहे हो कि 60 तो 60 से 8 नहीं जा रही है, इसकी संख्या होगी 120, 120 को 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है और 10 से भी और 12 से भी, और वैसे निकालना है फैक्टर विधि से, तो इसमें इसका डिवाइड देके देख लो, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 120। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमश 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर है, तो तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वह पूर्ण घंटों में समय ले। तो इसमें कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को समय एवं दूरी का समझ आते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का है, तो इसे करते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, ऐसी संख्या देखिए जो तीनों से कट रही हो, तो 60 10 से भी कट रही है, 12 से भी और 15 से भी, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। अब पूछा है ऐसी संख्या जो तीनों से कट रही है, तो वो होगी हमारी 60। अब पूछा क्या है दूरी, तो दूरी कितनी आ गई हमारी, इसे ही हम 60 किलोमीटर की दूरी मान लेंगे, एलसीएम को ही हम 60 किलोमीटर की दूरी मान लेंगे। तो मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।